ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा, अगर आपको उस तरह का वीडियो क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये एप्लीकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वहां मैंने एक प्रोजेक्ट का लिंक दिया है, आपको उस प्रोजेक्ट को अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपुट कर लेना है। इंपुट करने के बाद आपको अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो चलिए हम भी इसको ओपन कर लेते हैं। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि हम अपने सॉन्ग को बीट के हिसाब से मार्क कर चुके हैं और इसमें हम अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर चुके हैं। इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस फोटो एडिट करना है। इसके बाद आपको स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको यहां पे एक इमेज का ग्रीन लेयर मिलेगा। सिंपली आपको लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहां से आपको अपना एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहां पे ग्रुप मिलेगा। सिंपली आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारा लेयर देखने को मिलेगा, इनमें से आपको एक ग्रुप मिलेगा। आपको सिंपली ग्रुप को सिलेक्ट करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको जितना भी लेयर मिलेगा सारे लेयर में आपको अपना अलग अलग फोटो एडिट कर लेना है। तो चलिए हम इसमें अपना फोटो एडिट कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपको अपना नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह से आपको सारे लेयर में अपना फोटो एडिट कर लेना है। तो चलिए हम इसको एडिट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने सारे लेयर में अपना फोटो एडिट कर चुके। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाना है, जहाँ पे आपका ग्रुप एंड हो रहा है वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ से लेके एंड तक जितना भी लेयर है सारे लेयर में आपको अपना फोटो एडिट कर लेना है। इसमें आपको फोटो कुछ इस तरह से एडिट करना है कि जो दो लेयर एक साथ है उन दोनों में आपको एक ही फोटो एडिट करना है। हम आपको फिर से बता देते हैं कि जो दो लेयर एक साथ है उन दोनों में आपको एक ही फोटो एडिट करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, फिर आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आपको उसी फोटो को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह से आपको एंड तक अपना फोटो एडिट कर लेना है। तो चलिए हम इसको एडिट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड तक हम अपने सारे लेयर में अपना फोटो एडिट कर चुके। तो फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। अगर आपको इसको सेव करना है सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। अगर आपको इसको गैलरी में सेव करना है तो सिंपली आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।